फर्स्टली बीम क्या होती है, बीम की डेफिनेशन। अ बीम इज अ स्ट्रक्चरल मेंबर व्हिच कैरी द लोड इज नोन एज बीम। अब बीम का मेंबर्स कैसा होना चाहिए, बीम इजली हॉरिजॉन्टल मेंबर होना चाहिए, ठीक है, उसको अपन बोलेंगे बीम। अ बीम इज अ हॉरिजॉन्टल मेंबर व्हिच कैरी द लोड इज नोन एज बीम। अ बीम देयर आर फाइव टाइप्स ऑफ बीम। फर्स्ट बीम सिंपली सपोर्टेड बीम, सेकंड बीम कैंटिलीवर बीम, थर्ड बीम ओवरहैंगिंग बीम, फोर्थ बीम फिक्स्ड बीम, ठीक है ना। बट अपने सिलेबस में सिंपली सपोर्टेड बीम और कैंटिलीवर बीम के एनालिसिस अपन को करना है, तो अपन एग्जांपल के थ्रू इसको समझने की कोशिश करते हैं। ये अपनी सिंपली सपोर्टेड बीम है। सिंपली सपोर्टेड बीम के फर्स्ट एंड पे हिन सपोर्ट एंड राइट एंड पे रोलर सपोर्ट है। इस तरह के बीम्स को अपन बोलते हैं सिंपली सपोर्टेड बीम। अब सबसे पहले डब्ल्यू अमाउंट का यहाँ पे लोड लगा हुआ है, डब्ल्यू अमाउंट डब्ल्यू के और न्यूटन का जो लोड लगा हुआ है बीम ए बी पे, बीम को अपन नेमिंग कर देते हैं। ए बी अपनी एक सिंपली सपोर्टेड बीम है। डब्ल्यू किलो न्यूटन लोड की वजह से इस बीम पे रिएक्शंस कितने आएंगे वो अपन को फाइंड आउट करना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ द इक्विलिब्रियम कंडीशन। तो इक्विलिब्रियम की टोटल कितनी कंडीशन होती है, फर्स्ट वन अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द हॉरिजॉन्टल फोर्स इक्वल टू 0, अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द वर्टिकल फोर्स इक्वल टू 0, एंड थर्ड वन इज लास्ट अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द मूवमेंट इक्वल टू 0। अब अपन समझ लेते हैं मूवमेंट। मूवमेंट यहां पे क्या चीज होती है, मूवमेंट फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दिस इज नोन एज मूवमेंट। आफ्टर दैट इसका अपन फ्री बॉडी डायग्राम ड्रा करते हैं। फ्री बॉडी डायग्राम ड्रा करने के लिए जितने भी सपोर्ट लगे हैं सपोर्ट को अपन यहां पे रिमूव करेंगे, देन आफ्टर इसकी रिएक्शन को फाइंड आउट करेंगे। यहां पे अपनी हिन सपोर्ट है, हिन सपोर्ट जब भी किसी भी अपन बीम से रिमूव करते हैं तो टू रिएक्शंस आती हैं। फर्स्ट रिएक्शन दैट इज वर्टिकल सपोर्ट, एच मींस हॉरिजॉन्टल, ए मींस ए पॉइंट पे, एंड राइट हैंड साइड रोलर सपोर्ट है। रोलर सपोर्ट को जब भी अपन रिमूव करते हैं किसी भी बीम से तो केवल और केवल एक ही रिएक्शन आती है, दैट इज कंसंट्रेटेड फ्लूइड। तो ये सेंटर पॉइंट में जो W किलो न्यूटन का लोड अप्लाई कर रहा है इसकी वजह से आर ए एंड के साइड के साथ जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में फोर्सेस अपन देख के देखते हैं कि कितने फोर्स किस डायरेक्शन में ऐड कर रहे हैं। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं कितनी कंडीशंस होती हैं, कौन कौन सी, समेशन ऑफ ऑल द हॉरिजॉन्टल फोर्सेस इक्वल टू 0, समेशन ऑफ ऑल द वर्टिकल फोर्सेस इक्वल टू 0, और थर्ड समेशन ऑफ ऑल द मूवमेंट इक्वल टू 0। चलो आप बताओ मूवमेंट क्या होता है, व्हाट यू मीन, जब कोई बीम से रोटेट करता है डिस्टेंस पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस मल्टीप्लाई बाय फोर्स। बीम के टाइप आप बीम के टाइप बताओ, बीम के दो टाइप बताओ, कौन कौन सी बीम होती है। ओके अब इसका आंसर तो सब लोग इसको कर लेते हैं, ये तो काफी चीज है। इसका आंसर डायरेक्ट क्या हो जाएगा,